अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ इस मामले पर कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, पर मैं यह ज़रूर कहूँगा कि हम सबको कोशिश यही करना चाहिए कि किसी को किसी तरह की कठिनाई ना हो और इस तरह का वातावरण बनाए रखें जिससे आम लोग और देश का जो एक ताकत है वो ताकत स्वाभाविक रूप से रचनात्मक ढंग से आगे बढ़े। बातचीत और संवाद के माध्यम से हमने हमेशा कोशिश किया है और आगे भी समाधान के रास्ते क्या हो सकते हैं, सबके सुझाव आमंत्रित भी किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सामान्य स्थिति बनाते हुए आगे लगातार हम बातचीत के माध्यम से मुद्दों को, विषयों को, जो भी है उसको सुलझाएंगे और भारत सरकार इस मामले में कृत संकल्पित है कि किसानों को और साथ ही साथ कृषि उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ते हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकार से समृद्धि तक का कार्यक्रम एक बृहद परियोजना के रूप में किया है और देश भर के लैम्स पैक्स को जोड़ते हुए एक अद्भुत कार्य योजना जिसके माध्यम से अब लैम्स पैक्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर विविध क्षेत्रों में अब लैम्स पैक्स जिसको CSC और यह सारे सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में, यानी अब आप पैक्स में जाके कहीं गांव में पैक्स है वहीं से आप किसी भी ट्रेन की टिकट ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की सूचना ले सकते हैं, किसी भी साधन को उपलब्ध करने के लिए सारी सुविधाएं उसके माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। तो सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग पूरे तरीके से जुड़े रहे, ऐसे कार्य योजना के साथ विश्व का सबसे बड़ा भंडारण की व्यवस्था हो उसका उद्घाटन जहां 11 राज्यों में किया गया वहीं 500 स्थानों में भूमि पूजन की गई और अब ऐसे बहुत सारे स्थानों में यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। जिस तरह से गन्ना मूल्य की वृद्धि के लिए क्या और भी उनको राहत देने की जरूरत गन्ना के मूल्य में वृद्धि करने से स्वाभाविक रूप से किसानों को इससे फायदा होगा और समय समय पर जो भी ऐसे विषय आते हैं सरकार खुद स्वयं संज्ञान में लेकर के उसका समाधान करती है।